हेलो फ्रेंड, तो ये हमारे पास थर्माकोल सीट जो कि बहुत ही ज्यादा हल्की होती है और इसका लाइट वेट होता है और ये ज्यादातर प्रोजेक्ट बनाने में काम आती है। बच्चे, छोटे बच्चे इसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर ये हम थर्माकोल सीट पेंट रोल के अंदर डालें तो इसका भाई साहब अमेजिंग रिएक्शन होगा, बहुत ही अमेजिंग। तो चलो यार, आपको इसका लाइव रिएक्शन दिखाता हूँ कि ये पेंट रोल के अंदर डालने के बाद इसका रिएक्शन कैसे होता है और ये यूज करके आप अपने कुछ पैसे भी बचा सकते हो। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इससे क्या यूज कर सकते हो आप। तो चलो यार, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये हमारे पास पेंट रोल है जो कि हमने एक कांच के ग्लास में डाल लिया। अभी इसके अंदर डालने वाले हम थर्माकोल। तो आप यार रिएक्शन देखना इसका, आपका ध्यान इस ग्लास के ऊपर होना चाहिए। तो ये मैंने पहले इसके कुछ पीस कट के काट के तैयार कर लिए। तो अभी मैं इसको इसके अंदर डालने वाला हूँ, देखना आप। ये इसको डालता हूँ मैं इसके अंदर पेंट रोल के अंदर और आप रिएक्शन देखना इसका। ये देखो, इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं। देखो, थर्माकोल में जैसे जैसे डाल रहा हूँ इसके अंदर मिक्स तो होता जा रहा है और जितना हम डालते जाएंगे इसके अंदर देखो उतना ख़त्म होता जाएगा और एक इसका गोल टाइप तैयार हो जाएगा। देखो, ये देखो इतना सारा डाल दिया मैं, अभी इसके अंदर और डालता हूँ। आप देखो, ये देखना, कि देखो मैं जैसे जैसे डालते जा रहा हूँ ये जादू की तरह खत्म होते जा रहा है। देखो, तो यार ये तो हमारे पास एक छोटा सा ग्लास है, तो अभी हम इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं बर्तन और उसके अंदर करते हैं, फिर डालते हैं हम ढेर सारा थर्माकोल और फिर देखेंगे। ये एक प्लास्टिक का डब्बा है, इसके अंदर डाल लेंगे हम इस पेंट रोल को। और मेरे पास और पेंट रोल है, वो भी डाल लूँगा इसके अंदर। तो ये मैंने डाल लिया और ये हमारे पास पेंट रोल है, तो इसके अंदर डाल लेते हैं। तो यार मैंने ये देखो सारा पेंट रोल डाल दिया इसके अंदर। तो चलो अभी डालते हैं इसके अंदर हम थर्माकोल। तो अभी देखना आप इसका रिएक्शन, भाई साहब ये देखो, ये तो एकदम जादू की तरह ख़त्म हो रहा है एकदम बिल्कुल। देखो ये देखो इसके अंदर भाई साहब, ये देखो, तो ये देखो यार इसका क्या हाल हो चुका है थर्माकोल का, ये एकदम प्लास्टिक की तरह हो गया। देखो भाई साहब, देखो उस भाई साहब लेयर देखो कितनी लंबी होगी इसकी। ये देखो बिल्कुल चिगम की तरह हो गया, चिगम। तो चलो अभी और डालते हैं इसके अंदर, कितने सारे एक साथ डालने वाला हूँ इसके अंदर। चलो डाल दूं, चलो यार इतने सारे, इनका क्या होगा बता दई। भाई साहब ये तो बहुत ही अमेजिंग है यार, देखो इसमें तो पूरे ब्रह्मांड के थर्माकोल डाल देने तो भी खत्म हो जाएंगे। ये देखो, पता नहीं यार ये देखो कैसा हो सकता है भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा ठंडा भी है साथ में। ये देखो मैं इसको हाथ में लेके दिखाता हूँ आपको, वैसे ये ना, ये देखो भाई साहब ये तो एकदम क्या बोलते हैं उसको, रबड़ की तरह हो चुका है। देखो बिल्कुल एकदम, ओ उसको बोलते हैं ना वो शिला। ये देखो भाई साहब कितना स्मूथ रबड़ है ये। ये देखो मेरे हाथों के भी नहीं चिपक रहा है ये तो। ये देखो
जेली, ये देखो बिल्कुल जेली सा बन गया जेली। तो ये हमारी होममेड जेली, ये देखो अभी चिपक रहा है ये बहुत ज़्यादा। ये क्या काम आता है और आप इससे पैसे बचा सकते हो, तो चलो इसका यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम छत के ऊपर आ चुके हैं और ये देखो, ये हमारे देखो छत पे दरार है, इसके अंदर से पानी जाता है। तो अभी मैं इसका यूज़ करके इसको एकदम परफेक्ट सेट करने वाला हूँ। तो ये जो हमने ये घोल बनाया है इसका यूज़ करना है हमें। यार ये तो रबड़ की तरह है बिल्कुल। ये सूखने के बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी ये सूख रहा है, देखो इसको सूखने देते हैं। तो यार इसे यूज करके अपने सिमट और बजरी के पैसे भी बचा सकते हो। और ये हमारा जो आप सोचोगे कि इसमें पेंट्रोल इससे ज़्यादा लगता है, तो ये पेंट्रोल वापस काम में आ जाएगा। और ये देखो ये हमारा घोल भी बन के तैयार हो गया और इससे पैसे भी बच जाएंगे और हमारे घर की जो छत की मरम्मत भी हो जाएगी। तो यार आप इसका यूज कर सकते हो, मेरी तो बेस्ट ट्राई है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर से फिर पानी भी नहीं जाता। प्लास्टिक की टंकी या जो हमारा पानी का टैंक होता है या छत के ऊपर, सभी के ऊपर ये यूज कर सकते हो। तो जो हमने पेट्रोल व थर्माकोल का पेस्ट बनाया था वो हमने इन इंटों पे लगा दिया दोनों पे और दोनों को साथ में चिपका दिया। अभी ये देखो साथ में कितना स्ट्रॉन्ग चिपके हुए हैं, ये देखो कितनी भारी इंट है, इसको भी कितना स्ट्रॉन्ग चिपक गया। ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख सकते हो आप ये कितना ज्यादा, ये देखो। तो वीडियो तो आपने देख लिया होगा और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलो यार लेते हैं विदा, अगले एक्सपेरिमेंट या अगला कोई अमेजिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। Yeah.